आईपीएल 2022 को अपने दो फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। दरअसल राजस्थान रॉयल्स ने 14 साल बाद फाइनल में एंट्री की है। 14 साल पहले शेन वॉर्न की कप्तानी में ये टीम फाइनल में पहुंची थी और खिताब जीता था, लेकिन 14 साल से उसको इंतजार था फाइनल में पहुंचने का। राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी और विराट कोहली की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आरसीबी आईपीएल 2022 से बाहर हो गई है और अब गुजरात टाइटंस के साथ राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 157 रन बनाए थे और राजस्थान को 158 रन का टारगेट दिया था। राजस्थान रॉयल्स के लिए जोस बटलर ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 66 गेंद में नाबाद 106 रन बना डाले। ये आईपीएल 2022 में इस खिलाड़ी का चौथा शतक है। उन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी की है। कोहली ने 2016 के सीजन में 4 शतक लगाए थे। संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान 2008 के बाद पहली बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। आईपीएल के पहले सीजन में शेन वॉर्न की कप्तानी में टीम फाइनल में पहुंची थी और चैंपियन भी बनी थी। दूसरी ओर आरसीबी का आईपीएल चैंपियन बनने का सपना भी टूट गया। टीम 3 बार 2009, 11 और 16 में फाइनल में पहुंची थी, पर एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। इस साल विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद उम्मीद थी शायद आरसीबी की किस्मत बदलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आईपीएल 15 का प्लेऑफ आरसीबी का 8वां प्लेऑफ था, पर टीम एलिमिनेटर मुकाबला जीतने के बाद दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान से हारकर बाहर हो गई।